मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को कविता लेखन पढ़ाऊंगी। कविता लेखन, सबसे पहले आप लोग बताओ कविता क्या है। काव्य पद्य या कविता साहित्य की वह विधान है जिसमें जो है किसी कहानी या मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य के भेद, काव्य के दो भेद, स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद और शैली के आधार पर काव्य के भेद। स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद में, जैसे स्वरूप के आधार पर जो काव्य है उसको जो है दो प्रकार से, जैसे दो भेद हैं इसके, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ना? तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में क्या होता है, जिस काव्य का रस स्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं से पढ़कर किया जाता है उसे जो है श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में क्या होता है, दृश्य काव्य में जैसे कि जो कविता लिखी गई है ना, तो जिस काव्य की काव्यानुभूति मतलब आनंदानुभूति होती है तो जिसको देख कर तो वो जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद में दो भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक, तो प्रबंध काव्य के दो भेद है, जैसे महाकाव्य या खंड काव्य। प्रबंध काव्य में क्या होता है, प्रबंध काव्य में जब कोई मतलब मुख्य कथा काव्य आदि के अंतर क्रमबद्ध रूप से चलती है, कथा का क्रम बीच बीच में टूटता नहीं है ना, तो और कथाएं गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बन जाती है, तो ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। इसके दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य में क्या होता है, मुक्तक काव्य में वे केवल एक ही पद या छंद में स्वतंत्र रूप से किसी भाव या रस अथवा कथा को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, जो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। फिर है शैली के आधार पर काव्य के भेद। शैली के आधार पर काव्य के तीन भेद हैं, जैसे पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, ना? तो पद्य काव्य में क्या होता है, जैसे कि इसमें किसी कथा का वर्णन जो है पद्य अथवा कविता के माध्यम से किया जाता है, काव्य के माध्यम से उसका वर्णन होता है। गद्य काव्य में क्या होता है, किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है ना, तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद का कमायनी ना, यह जो है गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। फिर है चंपू काव्य, इसमें जो गद्य और पद्य दोनों में जो है इसमें काव्य किया जा सकता है, इसमें दोनों गद्य पद दोनों का समावेश होता है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को कविता लेखन के बारे में बताया, समझ में आया तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।